हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम रैपर, कॉमेडियन, पोइट, यूट्यूबर एंड बिग बॉस कंटेस्टेंट मुनव्वर फारूकी के बारे में बात करेंगे। मुनव्वर उनकी कॉमेडी या रैप से ज़्यादा उनकी कंट्रोवर्सी के लिए जाने जाते हैं और कंट्रोवर्सीज की वजह से उन्होंने बहुत बुरा समय भी देखा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बुरा समय उन्होंने अपने बचपन में देखा। उन्होंने अपनी लाइफ में बद से बदतर समय देखा और उसके बाद उन्होंने एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उनका संघर्ष अनोखा है और उनकी कामयाबी अनमोल। इस वीडियो में हम मुनव्वर की वो कहानी जानेंगे जो काफ़ी दुख और संघर्ष भरी हुई है, साथ ही जानेंगे उनकी शादी टूटने का सच, उनकी नेटवर्थ और भी कई इंटरेस्टिंग बातें। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए बात करते हैं शुरू से। मेरा ख्वाब जगेगा मेरी नींद भरी आंखों में, आंख लगे तो कभी थाम लेना हाथ मेरे, ताज चढ़ेगा सर महल बनेगा, कभी लिखना रुके तो दोनों काट देना हाथ मेरे। मुनव्वर फारूकी का जन्म 28 जनवरी 1992 में जूनागढ़ गुजरात में हुआ। उस समय उनके परिवार में मुनव्वर की माँ, पापा, दादी और बहनें और भी कुछ रिलेटिव्स रहते थे। मुनव्वर की बचपन से ही कॉमिक टाइमिंग अच्छी थी, लेकिन उनके टैलेंट को कोई मौका मिले ऐसा माहौल ही नहीं था। मुनव्वर की स्कूली पढ़ाई उनके होम टाउन से हुई। मुनव्वर का बचपन दूसरे बच्चों से अलग था। मुनव्वर और उनकी बहनों का खर्चा उनकी माँ चलाया करती थीं। वो पापड़ और चकली बना बनाकर बेचा करती थीं। जब मुनव्वर थोड़े बड़े हुए तो वो भी उनका साथ देने लगे थे। मुनव्वर के पिता अगर कुछ काम करते भी थे तो कभी अपनी पत्नियां बच्चों पर अपना पैसा खर्च नहीं करते थे। मुनव्वर के पिता उनकी माँ की कोई मदद नहीं करते थे, वो अपना पैसा अपने लिए ही इस्तेमाल करते थे। इतना ही नहीं, मुनव्वर के पिता और परिवार वाले मुनव्वर की माँ को मारा भी करते थे। मुनव्वर कहते हैं कि मेरी माँ मेरी याद से ही घर की हिंसा का शिकार रहीं। उनके साथ मानसिक और शारीरिक अत्याचार होते थे, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ सहती थीं। साल 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए, उनमें काफ़ी लोग मारे गए थे और बहुतों के घर तबाह हो गए थे। उनमें से एक घर मुनव्वर का भी था, क्योंकि इनका घर जला दिया गया था। दोस्तों, मुनव्वर एक बड़ी जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो वो खुद बताते हैं कि 6 या 7 साल की उम्र में वो यौन शोषण का भी शिकार हुए थे, वो भी किसी करीबी से। मुनव्वर की मां ने बहुत संघर्ष किया, वो बहुत मजबूत थीं, लेकिन साल 2007 में मुनव्वर की मां की हिम्मत ने जवाब दे दिया और उन्होंने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। ये बात साल 2007 की है। मुनव्वर बताते हैं कि वैसे तो मैं माँ के आसपास ही लेटा करता था, लेकिन उस दिन मैं अपने दादी के पास लेट गया। सुबह मुनव्वर की दादी ने मुनव्वर को जगाया और कहा कि तुम्हारी अम्मी को कुछ हो गया है, उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं। ये सुनकर मुनव्वर हॉस्पिटल पहुंचे, वहां जाकर देखा उनकी माँ चिल्ला रही थीं। मुनव्वर ने परिवार वालों से पूछा कि क्या हो गया है, तो उन लोगों ने कहा पेट दर्द है। बहुत देर हो गई, माँ की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी और वो बेहोश हो गई। उस टाइम मुनव्वर को ये एहसास हुआ कि ये पेट दर्द नहीं है। उन्होंने परिवार वालों से पूछा कि सच बताओ क्या हुआ है, तो तब उनसे कहा गया कि तुम्हारी माँ ने तेजाब पी लिया है, लेकिन तुम ये बात बताना मत वरना हम लोग फंस जाएंगे। मुनव्वर ने तुरंत ही ये बात डॉक्टर को बता दी। डॉक्टर ने कहा तुमने पहले क्यों नहीं बताया। दोस्तों, जब तक मुनव्वर ने बताया तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मुनव्वर की माँ की मौत हो गई। मुनव्वर का वो दिन कभी ना भूले जाने वाला दिन था। वो अपनी माँ के पास ही सोया करते थे, लेकिन उस दिन दादी के पास सो गए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें पता होता कि माँ ने तेजाब पिया है और वो माँ को बचा लेते। मुनव्वर को ये बात आज तक चुभती है कि वो उस रात माँ से दूर क्यों रहे। माँ की मौत के बाद जब माँ का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि उन्होंने 12 दिन से खाना भी नहीं खाया था। दोस्तों, इन्हीं दिनों मुनव्वर की एक सिस्टर ने भागकर शादी कर ली थी, तो इस बात के लिए भी परिवार वाले मुनव्वर की माँ को ही जिम्मेदार मानते थे और रोज उल्टी सीधी सुनाया करते थे। उन पर ये प्रेशर था, साथ ही और भी कई टेंशन रहती थी। और सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उनकी माँ ने किसी से 3,500 रुपये लिए थे, जिसके लिए वो भी हर दूसरे दिन आकर माँ को बुरी भली सुनाया करता था। जब ये सब उनके बर्दाश्त से बाहर हुआ तो उन्होंने आत्महत्या
हत्या कर ली। इसके कुछ साल बाद जब मुनव्वर थोड़े बड़े हुए तो उनकी शादी कर दी गई थी। उनकी वाइफ का नाम है जासमीन। मुनव्वर शादी के लिए मैच्योर भी नहीं हुए थे तब तक उनकी शादी कर दी गई थी। इसी वजह से वो उस रिश्ते में कभी आ ही नहीं पाए और उनकी वाइफ का रिश्ता कभी ठीक नहीं चला। मुनव्वर की मां की मौत के बाद उनके पिता मुनव्वर और उनकी बहनों को लेकर जूनागढ़ से डोंगरी मुंबई आकर रहने लगे। यहां आकर कुछ ही टाइम बीता था कि उनके पिता की तबीयत खराब हो गई और उन्होंने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद मुनव्वर काम करने लगे। कभी उन्होंने सेल्समैन की जॉब की तो कभी वेटर की। इन कामों से वो अपने घर का खर्चा चलाते थे। साथ ही उन्होंने कंप्यूटर कोर्स करना भी स्टार्ट कर दिया। फिर कुछ समय बीता और उन्हें उनकी कंप्यूटर की पढ़ाई की वजह से ग्राफिक डिजाइनर की जॉब मिल गई। वो ये जॉब करने लगे। इतनी सारी परेशानियां और संघर्ष के बावजूद उनका हुनर उन्हें आगे ले जाने की कह रहा था। वो था जोक मारना और शायरी लिखना। जब जॉब से उनका परिवार थोड़ा संभल गया तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्टैंड अप कॉमेडी करेंगे। मुनव्वर अपनी कंपनी की तरफ से एक एड की शूटिंग के सेट पर गए थे। वहां पर मेकर्स को एक स्टैंड अप कॉमेडियन से दो लाइनें बुलवानी थीं। पूछा गया कि कोई ऐसा कर सकता है तो मुनव्वर ने कहा, मैं कर सकता हूँ। मुनव्वर ने वहां दो लाइन की कॉमेडी की जो बहुत प्रभावशाली रही। इसके बाद मुनव्वर अपनी जॉब के साथ पार्ट टाइम में स्टैंड अप कॉमेडी भी करने लगे। उनकी कॉमेडी से उनकी पहचान होने लगी और लोग उन्हें पसंद करने लगे। अब मुनव्वर को पिता की सलाह मिली कि फुल टाइम कॉमेडी ही करो और मुनव्वर भी यही चाहते थे तो उन्होंने तय किया कि वो फुल टाइम कॉमेडी करेंगे और जॉब छोड़ देंगे। मुनव्वर ने ऐसा ही किया। वो फुल टाइम स्टैंड अप कॉमेडी करने लगे और वीडियोज यूट्यूब पर डालने लगे। मुनव्वर के शुरुआत में YouTube पर व्यूज नहीं आते थे। वो लोगों के पास जा जाकर रिक्वेस्ट करते थे और चैनल सब्सक्राइब करवाते थे। ऐसा काफी टाइम चला लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो लगे रहे और उनका पेशेंस एक हथियार की तरह काम आया। जब उनका एक वीडियो वायरल हुआ तो सभी वीडियो वायरल हो गए। लेकिन अब लॉकडाउन लग गया जिस वजह से वो स्टैंड अप कॉमेडी नहीं कर पा रहे थे। लॉकडाउन में उन्होंने इंस्टाग्राम पर कॉमेडी वीडियो अपलोड किए। लॉकडाउन लगने से कुछ समय पहले फरवरी 2020 में मुनव्वर के पिता की बीमारी से मौत हो गई थी। मुनव्वर को उनके यूट्यूब चैनल से बड़ी पहचान मिली और वो फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन बन गए। उनको एक के बाद एक शो मिलते ही जा रहे थे। अब मुनव्वर सॉन्ग भी बनाने लगे थे। उन्होंने शुरू में चौकीदार और NRC दो सॉन्ग ऐसे भी बनाए थे जो काफी विवादित रहे क्योंकि उन्होंने इन सॉन्ग्स में गवर्नमेंट को टारगेट किया था। लेकिन मुनव्वर को सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी का सामना तब करना पड़ा जब उनके एक पुराने वीडियो की क्लिप वायरल हो गई जिसमें उन्होंने माँ सीता और श्री राम पर जोक मारा था। मेरा पिया घर आया ओ राम जी। Like, अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें वो गाना कैसा है ना, like, मेरा पिया घर आया ओ राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर आया राम जी, like, मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज अ वाइफ यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। मुनव्वर को जनवरी 2021 में MP पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। उन पर BJP MLA के बेटे एकलव्य लक्ष्मण ने केस फाइल कराया था और चलते शो से ही उन्हें अरेस्ट करवाया गया था। उन्होंने केस फाइल करवाया था कि मुनव्वर हिंदू रिलीजन को अपनी कॉमेडी में टारगेट करते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद मुनव्वर बड़ी परेशानियों में फंस गए। उन्हें 35 दिन तक जेल में रहना पड़ा और निकलने के बाद परिवार को मारने की धमकियां हर रोज मिलने लगीं। उनका पब्लिकली निकलना बंद हो गया। उनके 12 शोज भी कैंसिल कर दिए गए। उनकी परेशानियां बढ़ती ही जा रही थीं। हर जगह निगेटिविटी ही थी। कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उनको इस तरह के बर्ताव से लंबे समय तक गुजरना पड़ा। उन्होंने अपने उस जोक पर सफाई भी दी थी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि इस सब से वो एक कंट्रोवर्शियल फेमस इंसान हो चुके थे और यही बात उनके लिए अगला रास्ता खोलने वाली थी।
दोस्तों साल 2022 में मिला मुनव्वर को OTT रियलिटी शो लॉकअप में जाने का मौका, जो बिग बॉस पर बेस्ड था। यहाँ जब लोगों ने मुनव्वर को देखा तो धीरे धीरे उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती गई और शो खत्म होने तक उनकी बड़ी संख्या में फैन फॉलोइंग और प्यार करने वाले हो चुके थे। मुनव्वर लॉकअप सीजन 1 के विनर भी रहे। यहाँ जीतने के बाद मुनव्वर का यूट्यूब चैनल बहुत प्रसिद्ध हो गया। उन्हें इंटरव्यूज में बुलाया जाने लगा, जहां उन्होंने अपनी बातें रखी। लोग बड़ी संख्या में मुनव्वर को पसंद करने लगे और वो इस बार अच्छे फैंस वाले फेमस सेलिब्रिटी बन गए। इन दिनों मुनव्वर बिग बॉस में हैं और वहां भी उन्हें बहुत पसंद किया जा रहा है। मुनव्वर कहते हैं कि जितना मैंने अपनी जिंदगी में पाया है उतना खोया भी है। मेरे मन में एक अजीब सा सूनापन रहता है और मैं कितना भी पैसा कमा लूं, लेकिन वो 3,500 रुपए कभी नहीं कमा सकता, जिनकी वजह से मेरी माँ की जान गई। ये बात मुनव्वर की आत्मा पर एक घाव बन गई है कि उनकी एक गलती से उनकी माँ नहीं बच सकी और ये घाव कभी नहीं भर सकता। तो आज भी मुझे वो चीज छोड़ नहीं पा रही है। मेरे पास 3,500 रुपए क्यों नहीं थे? आज अगर मैं आज इतना पैसा कमा रहा हूँ या कहीं से भी पैसा आ रहा है, उस पैसे का क्या फायदा? मुनव्वर मानते हैं कि उन्होंने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं और उन गलतियों का उन्हें हर समय पछतावा रहता है। मुनव्वर ने एक इंटरव्यू में ये भी खुलासा किया कि उन्होंने एक रिश्ते में चीट भी किया, जिसका भी उन्हें बहुत रिग्रेट है। इसके अलावा भी मुनव्वर को बहुत सारे रिग्रेट हैं और वो सोचते हैं कि उन्हें वैसा नहीं करना चाहिए था, पर उन्हें हमेशा से इतनी समझ नहीं थी और उनके पास ऐसा कोई नहीं था जो बता सके कि ये गलत है और ये सही। दोस्तों मुनव्वर का एक 5 साल का बेटा भी है। बेटे के जन्म के बाद उनका और उनकी वाइफ का रिश्ता ज्यादा खराब होता गया और साल 2021 में जासमिन और मुनव्वर अलग अलग हो गए। दोस्तों मुनव्वर अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं और बिग बॉस के एक एपिसोड में उन्होंने बताया कि पिछले कुछ टाइम से वो मेरे पास ही रह रहा है और बिग बॉस में मुनव्वर अपने बेटे को बहुत मिस कर रहे हैं। दोस्तों लॉकअप के दौरान मुनव्वर सोशल मीडिया स्टार अंजलि अरोरा के भी बहुत क्लोज आ गए थे। हालांकि दोनों ने रिश्ता होने से इनकार कर दिया और इस रिश्ते को दोस्ती का नाम दिया। इन दिनों फेमस इन्फ्लुएंसर एंड मॉडल नाजिला सीतासी मुनव्वर के बहुत क्लोज हैं। मुनव्वर और नाजिला एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये दोनों एक सॉन्ग के शूट पर मिले थे, जहां से इनकी दोस्ती हो गई और जल्द ही ये रिश्ता दोस्ती से ज्यादा हो गया। बात करें मुनव्वर के नेटवर्थ की तो एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 3 करोड़ रुपए है। तो फ्रेंड्स ये थी बायोग्राफी रैपर कॉमेडियन पोइट यूट्यूबर एंड बिग बॉस कंटेस्टेंट मुनव्वर फारूकी की। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स जरूर दें। अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें। आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में।